ही गाइज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार इस वीडियो को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन शुभदीप सेनिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हो बहुत ज़्यादा थ्रू गूगल एड्स। मेरे को पता है बहुत लोग गूगल एड्स का नाम सुनते ही बहुत घबरा जाते हो कि पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसे वेस्ट हो जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। बट डू नॉट वरी एट ऑल, मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल एड्स की मदद से किसी भी चीज़ को प्रमोट कर सकते हो। स्पेसिफिकली मेरे दिमाग में एक चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है, और गूगल एड्स की मदद से कम पैसे में विथ लो इनपुट यू विल गेट मोर आउटपुट, ओके, और ह्यूज आउटपुट। कैसे करेंगे, वॉच दिस वीडियो टू द एंटायरिटी, कुछ भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप में थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन है, इसको कलेक्टिवली करने से आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टू द एंटायरिटी, कुछ भी मिस मत करना, और लेट्स स्टार्ट विद देन। हे गाइस, वेलकम। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको एक अपना बिजनेस क्रिएट करना है ऑनलाइन फ्रॉम द स्क्रैच, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एकदम निटी गिटी थिंग्स से कैसे आप स्टार्ट करके एकदम ह्यूज रेवेन्यू पर मंथ वाला मार्केटिंग बिजनेस क्रिएट कर सकते हो घर बैठे बैठे। फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन क्लिक करो और वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल मैप्स की मदद से एक किसी भी चीज़ को प्रमोट कर सकते हो बहुत ईजीली और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले देखो गाइस, दो चीज़ें हैं। नंबर वन, हमको ऐसा एक चीज़ ढूंढना है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, और नंबर टू, हमको मार्केटिंग करना है उसका बहुत अच्छे से। ओके, सो जो चीज़ ढूंढना है वो एक पार्ट और मार्केटिंग दूसरा पार्ट। मार्केटिंग करेंगे फ्रॉम गूगल एड्स, मैं आपको दिखाऊंगा ये हर एक चीज़, और नंबर वन विल बी दी प्रोडक्ट जिसको आप प्रमोट करोगे। ओके, सो जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे उसको मैं आपको बता दूँ कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को हम टारगेट करने वाले हैं। मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि एक सर्विस प्रोवाइड करता हो, जैसे कि कोई ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता हो, या फिर एक कोई भी होस्टिंग सॉफ्टवेयर जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता हो, या कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसे क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। मतलब कि वो 30-40-50% तक भी, वो 70% तक भी कोई कोई सॉफ्टवेयर आपको रिकरिंग कमीशंस दे देंगे, वो भी रिकरिंग, मतलब हर महीने जब भी कोई पेमेंट करेगा उनको तो उनका कुछ कट परसेंटेज आपको भी मिलेगा एवरी सिंगल मंथ, या फिर आप डायरेक्टली कोई एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहां से इन्जॉय कर सकते हो। ओके, सो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप उसको यूज़ करोगे। बाय द वे, ये मेरा गूगल एड्स अकाउंट है, और ये एड अकाउंट पे ये मेरा सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा तो उस पे जाके आप मेल मत करना। ओके, सो लेट मी गो टू, अच्छा कहाँ पे जाना था हमको, हमको जाना है कि गूगल में। ओके, सो गूगल में जाके आप एक बेस्ट प्रमोट सॉफ्टवेयर्स टू प्रमोट भी सर्च कर सकते हो, राइट। सो मैं अभी जाता हूँ टू गूगल, इग्नोर दिस थिंग, सेंड चेक इट, ये एक ईमेल मार्केटिंग के का हेल्प करता है। मतलब कि आपका अगर सब्जेक्ट लाइन टेस्टिंग करना है तो आप यहाँ से सब्जेक्ट लाइन टेस्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं कर रहा था तो मैं इसको ऑफ करना भूल गया, तो कोई बात नहीं, हम गूगल में जाके सर्च करेंगे कि बेस्ट सॉफ्टवेयर्स टू प्रमोट। ओके, सॉफ्टवेयर्स टू प्रमोट, तो आप यहाँ के जाके आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल बिगेस्ट पैकेज वगैरह वगैरह, ये देखो। सो 32 बेस्ट सॉफ्टवेयर अफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफ 2022, यहाँ पे आप देखो सर्फर, SEO, एवेबर, वॉल्यूम है, फिर WP रॉकेट है, मोनोटाइप है, एलिमेंटर है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जाके प्रमोट कर सकते हो। इसमें जो एवेबर है, एवेबर अफिलिएट प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ये एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं एवेबर के ही तरह आपको एक और एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, इसका नाम है गेट रेस्पॉन्स। तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प करेगा। ओके, मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ गेट रेस्पॉन्स अफिलिएट प्रोग्राम। उससे पहले मैं आपको, जिसको जिसको पता नहीं है, तो मैं गेट रेस्पॉन्स से भी आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ।
सो गेट रेस्पॉन्स एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास एक तो ये क्या करते हैं, ये अब यहाँ से देखो ईमेल मार्केटिंग कंपनी है, फिर ये आप कोई वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हो, फिर मार्केटिंग ऑटोमेशन, ई कॉमर्स मार्केटिंग सब कुछ यहाँ पे एक ही साथ ये लोग कर देते हैं। ओके आइका, फिर ये देखो जेनडेस्क है, स्ट्राइप है, ये सब लोग गेट रेस्पॉन्स यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है गेट रेस्पॉन्स। आप क्या करो, सबसे पहले अगर आपके पास गेट रेस्पॉन्स का अकाउंट नहीं है तो आप नीचे जाओ, फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गेट रेस्पॉन्स पे साइन अप करो, इसका फ्री फॉर एवर प्लान है तो आपको एक भी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो आप फ्री फॉर एवर प्लान है, ये भी आप इसमें भी आप इंस्टॉल मतलब इसका भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये फ्री फॉर एवर वाला जो प्लान है उसको आप इंस्टॉल मतलब उसका उस पर आप एक अकाउंट क्रिएट कर लो। अगर आपका गेट रेस्पॉन्स पर अकाउंट होगा तो यहाँ से भी आप इसके जो इसका जो पार्टनर प्रोग्राम है, गेट रेस्पॉन्स का अफिलियट प्रोग्राम है, उस पर भी आप डायरेक्टली इस अकाउंट के थ्रू ही लॉग इन कर सकते हो। ओके और फर्स्ट थिंग है हुई ये, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास गेट रेस्पॉन्स का अकाउंट होगा, फ्यूचर पे अगर आपको कभी ऐसा ज़रूरत पड़े कि आपको ईमेल मार्केटिंग का कोई भी मतलब आपको ईमेल में कुछ भी करना है, लिस्ट बिल्ड करना है, अफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी बिजनेस ऑनलाइन क्रिएट करना है, तो ईमेल आपको चाहिए ही चाहिए, तब आपको 30% डिस्काउंट तक आपको फॉर एवर फॉर द लाइफ टाइम आपको 30% डिस्काउंट मिलता है फ्रॉम गेट रेस्पॉन्स। अगर आपके पास एक मतलब आपका अगर ये जो मेन गेट रेस्पॉन्स अकाउंट है और आपका अगर ये जो सॉफ्टवेयर मतलब ये जो अफिलिएट प्रोग्राम है, इन दोनों का अगर लिंकिंग होगा मतलब कनेक्टेड होगा तो आपको 30% डिस्काउंट फॉर लाइफ आपको मिलेगा। ओके जो मेरे को मिला हुआ है तो मैं एवरी मंथ फॉर माय लाइफ मैं 30% डिस्काउंट ले सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले गेट रेस्पॉन्स का एक अकाउंट क्रिएट करो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके तो वहाँ से जाओ, एक फ्री फॉर एवर प्लान अगर आपको नहीं चाहिए ऐसे ही अकाउंट क्रिएट करके रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में जब आपको यूज़ करना होगा तब आप यूज़ करना उसको, और यहाँ से आप क्या करो उसको फिर अफिलिएट प्रोग्राम में जाके उसको इंस्टॉल करो। ओके मतलब कनेक्ट करो आपका दोनों अकाउंट, मतलब ये जो फ्री मेन अकाउंट है और जो अफिलिएट अकाउंट है, दोनों को आप कनेक्ट करना है। ओके सो अब आपका गेट रेस्पॉन्स के बारे में पता चल गया, अभी गेट रेस्पॉन्स अफिलिएट पे जाते हैं। गेट रेस्पॉन्स का जो अफिलिएट प्रोग्राम है तो अफिलिएट प्रोग्राम में जाते हैं, और गेट रेस्पॉन्स का अफिलिएट कहाँ गया, नहीं ऑल्टरनेटिव हो गया ये तो, गेट रेस्पॉन्स का अफिलिएट प्रोग्राम जो है गेट रेस्पॉन्स का, उस पर हम जाएंगे, ये रहा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो गेट रेस्पॉन्स का ये है अफिलिएट प्रोग्राम, ये वाला जो है अफिलिएट प्रोग्राम है गेट रेस्पॉन्स का, और ये जो है गेट रेस्पॉन्स का जो है मेन प्रोग्राम। ओके तो आप क्या करोगे, आपका जो मेन अकाउंट है और जो अफिलिएट अकाउंट है वो दोनों को कनेक्ट करोगे। ओके तो ये जो है ये इसका अफिलिएट अकाउंट है। अब देखो गेट पेड व्हेन यू रेफर क्लाइंट्स टू गेट रेस्पॉन्स साइन अप फॉर फ्री, और यहाँ पे इनके दो प्रोग्राम्स चलते हैं, फर्स्ट वन इज योर अफिलिएट रिकरिंग प्रोग्राम और दूसरा जो है बाउंटी प्रोग्राम। तो इन दोनों में मतलब डिसिमिलैरिटीज क्या है कि रिकरिंग प्रोग्राम में आपको फॉर द लाइफ अगर उन्होंने आपको अगर चाहिए तो फॉर द लाइफ जब तक कोई भी इस अकाउंट पे है तब तक गेट रेस्पॉन्स आपको 33% एवरी मंथ देगा, और अगर बाउंटी प्रोग्राम में जाओगे तो अपफ्रंट आपको जो है $100 वो पे करेगा गेट रेस्पॉन्स। ओके दोनों में कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये देखो डायरेक्टली आपका अगर गेट रेस्पॉन्स का अकाउंट है तो डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। ओके लॉग इन टू योर अकाउंट इफ यू हैव अ गेट रेस्पॉन्स अकाउंट ऑलरेडी, सो यहाँ से भी आप ये जो कर सकते हो अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, सो लॉग इन करने के लिए सिंपली जाओ और जाके गेट रेस्पॉन्स के अकाउंट से ही यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। ओके तो आपको पहले गेट रेस्पॉन्स का अकाउंट क्रिएट करना, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं उसके, ठीक है, तो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन याद रखना। ओके सो हम क्या करेंगे, अभी गेट रेस्पॉन्स का ये जो अकाउंट है इस पर लॉग इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इंटीरियर से आपको लिंक्स मिलेंगे। सो गाइज जब आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर होगे तो दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वो बाउंटी और वो जो पार्टनर प्रोग्राम है वो जो रिकरिंग वाला है दोनों का, तो ऐसा आपको लिंक मिलेगा, रिकरिंग प्रोग्राम का लिंक और बाउंडिंग प्रोग्राम का लिंक। सिंपली क्लिक करना, अपना पेमेंट डिटेल्स देना और आपको जो है ये जो है लिंक मिल जाएंगे।
तो इन दोनों लिंकों को हम क्या करेंगे, फिर प्रमोट करेंगे, राइट। ऐसे आपको जो है लिंक्स ले लेने हैं गेट रेस्पॉन्स के। अभी हम जाते हैं टू गूगल ऐड्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जो कि था कौन सा प्रोडक्ट जो है प्रमोट करना है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपका इसको आप प्रमोट करने के लिए। सो आप सिंपली जाओ और इसको प्रमोट करो गेट रेस्पॉन्स का। ओके, अभी हम जाएंगे टू गूगल एड्स नेटवर्क, और गूगल एड्स नेटवर्क में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गूगल एड्स के थ्रू हम गेट रेस्पॉन्स को प्रमोट करेंगे। ओके गाइस, सो हम क्या करेंगे अभी, गेट रेस्पॉन्स अपना जो गेट रेस्पॉन्स का प्रोग्राम है इसको यहाँ से प्रमोट करेंगे। ओके, सो न्यू कैंपेन में मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं जाके इसको प्रमोट करूँगा। ओके, सो वॉच स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पर हमको जो जाना है वो है कि क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस। ओके, फिर यहाँ पे सर्च, आप सर्च भी कर सकते हो या फिर वीडियो भी प्रमोट कर सकते हो। गेट रेस्पॉन्स पे आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे प्रमोट करने के लिए, बट हम सर्च, आप क्या करो, दोनों ही करो, सर्च भी करो और यूट्यूब पे वीडियोज़ भी करो, तो ट्राई करो कि कौन सा आपको अच्छा लगे, अच्छा आपको ये होता है। कन्वर्जन गोल नहीं चाहिए आपको, सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू, आपको होगा भी नहीं लीड फॉर्म वाला, तो आप सिंपली कंटिन्यू करना और कैंपेन का नेम देके कुछ भी क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था तो स्टार्ट न्यू, मैं स्टार्ट न्यू कर देता हूँ ताकि नए से आपको दिखा सकूँ कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज बिडिंग। बिडिंग का मतलब क्या, आप कितना बिड करोगे, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, मतलब कोई भी अगर आपने जो कन्वर्जन दिया है कि आपका ट्रैक हो या फिर आपका सेल हो, तो उसके लिए आप कितना पैसा खर्च करने के लिए राजी हो। ओके, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ये भी आप टारगेट भी कर सकते हो कि अगर आपने डिसलेक्ट किया है कि आपको नहीं चाहिए कोई भी टारगेट, मतलब गूगल कितना भी पैसा यूज़ कर सकता है फॉर योर कन्वर्जन, मतलब इसका मतलब नहीं है कि गूगल ज़्यादा पैसा यूज़ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल को जितना चाहिए वो उतना यूज़ करेगा, इसका मतलब है कि आप अगर उससे आपने कोई टारगेट सेट कर दिया तो गूगल उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। अगर 100 रुपये आपने सेट कर दिए तो 101 में हो सकता था, मगर गूगल नहीं जाएगा 100 में, 100 में वो रुक जाएगा। ओके, सो आपकी मर्जी टारगेट दे भी सकते हो, सपोज 50 रुपीज़, आपने टारगेट किया 50 रुपीज़ ही मैं स्पेंड करूँगा, तो आप वो भी दे सकते हो। यहाँ पे सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क मतलब क्या, आप जो सर्च का जो टर्म्स यूज़ करोगे ना, उसका एक ऐड क्रिएट करके, गूगल क्या है, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है, मतलब कोई भी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आपका ऐड शो करेगा, तो हमको वो नहीं चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि सर्च नेटवर्क्स पे ही जाके हमारा ऐड जो है रन हो। ओके, अच्छा, लोकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बहुत मेजर चीज़ है जो कि आपका गेम बनाएगी इस पर्टिकुलर कैंपेन पे। आपके अगर लोकेशंस पे ऑल कंट्रीज नहीं सिलेक्ट करना है, इंडिया भी नहीं सिलेक्ट करना है, कुछ कुछ कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान, फिर रशिया, फिर रशिया के साथ जो झगड़ा हो रहा था क्या था, यूक्रेन, और ये सारी कंट्रीज में क्या, बहुत सारे फिर अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जहाँ पे कॉस्ट, मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, गूगल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। आप क्या करो, यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कंट्रीज विद लोएस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ओके, COUNTRIES विद मिनिमम एड कॉस्ट। आप ये भी सर्च कर सकते हो, फेसबुक का भी है और गूगल का भी है, तो फेसबुक का और गूगल का आप सर्च कर सकते हो, देख लेता हूँ फेसबुक का है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इन कंट्री वाइज कौन सा बहुत कम है। ओके, उसे मैं सर्च करके देखता हूँ कि कौन सा कंट्री है जिसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत कम है। सो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लिस्ट हैं, फेसबुक CRM बाई कंट्रीज, एड कॉस्ट बाई कंट्रीज, तो ये भी देख सकते हो, या फिर कोई एक अगर हमारे पास लिस्ट ही हो जाता ना तो अच्छा होता। तो विच कंट्री इज चीपेस्ट फॉर गूगल एड्स, ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो यूक्रेन, सोमालिया, स्लोवेनिया, इस सारे के सारे कंट्रीज पे गूगल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत कम है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखो, सर्बिया, मोल्डोवा, लिबेरिया, यूक्रेन, सोमालिया, स्लोवेनिया, लातविया, बहरेन, वेनेजुएला, तंजानिया, लिथुआनिया, मोंटेनेगो, गुआना, पाकिस्तान, नामीबिया, रशिया, कोलंबिया, इक्वेडोर, लग्जमबर्ग और पोलैंड। तो यहाँ पे आप जैसे रशिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, फिर पोलैंड पे एवरेज ट्रैफिक मिलेगा, और कोलंबिया, यूक्रेन में अच्छा ट्रैफिक मिलेगा,
ऐसे ऐसे करके आप इन सारे कंट्रीज को जाके टारगेट करो ऑन गूगल। ओके, कैसे करना है? जैसे गूगल पे आओ और यहाँ पे जो थर्ड वाला है एंटर लोकेशन, यहाँ पे आप टाइप करो वो सारे कंट्रीज के नाम जिसपे आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम मिलता है। ओके, सो पाकिस्तान में आके मैंने टारगेट कर दिया। फिर सपोज रशिया, RUSSIA, रशिया, रशिया मैंने जाके टारगेट कर दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे करके बहुत सारे कंट्रीज जो है टारगेट करो और फिर कंट्रीज को टारगेट करके फिर वहाँ पे एम करो, तो आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत कम मिलेगा। यही ट्रिक आपको यूज करना है ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल प्लेटफॉर्म। ओके, लैंग्वेज मस्ट बी इंग्लिश, फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट, और कुछ ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा, अभी आता है कीवर्ड्स एंड एड्स, और कीवर्ड्स एंड एड्स में आपको जो है कीवर्ड्स चाहिए। कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? गूगल कीवर्ड प्लानर भी आप यूज़ कर सकते हो। वो कीवर्ड प्लानर कहाँ पे है? ये जो टूल्स एंड सेटिंग्स है ना, यहाँ पे आके इसको क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ये देखो कीवर्ड प्लानर है। उस कीवर्ड प्लानर पे आप जाके कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको ऐसा भी नहीं करना है, सिंपली और भी एक इजी प्रोसेस बताता हूँ। ये जो गेट रेस्पॉन्स का वेबसाइट है, गेट रेस्पॉन्स को जब प्रमोट कर रहे हो तो गेट रेस्पॉन्स के वेबसाइट को ही कॉपी करना है और आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, और फिर क्या करना है, यहाँ पे गेट कीवर्ड सजेशंस है, इस पर क्लिक करना है। नो कीवर्ड्स फाउंड फॉर getresponse.com, पता नहीं क्यों। अगर गाइस ऐसा प्रॉब्लम आए कि आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो सिंपली आप जाना गूगल के कीवर्ड प्लानर पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना, और यहाँ पे जाके आप जो है एंटर वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो या फिर कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट विद द वेबसाइट, मैं वेबसाइट का नेम जो गूगल गेट रेस्पॉन्स है उसको ऐड करके गेट रिजल्ट्स में क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स मेरे को मिल जाएंगे। ओके, अब ये देखो कितने सारे कीवर्ड्स मेरे को यहाँ पे मिल गए, 2151 कीवर्ड्स आपको मिल गए। और यहाँ से आप देखो अफिलिएट बाउंटी प्रोग्राम, तो अफिलिएट तो नहीं चाहिए हमको, तो अफिलिएट को हम लोग जो है ओमिट कर देंगे। ओके, एक फिल्टर क्रिएट करते हैं, एक्सक्लूड अडल्ट आइडियाज़, तो डेफिनेटली ऐड अ फिल्टर, एक कीवर्ड कंटेन्स और डज नॉट कंटेन, फिर वैल्यू यहाँ पे अफिलिएट लिख देते हैं, अफिलिएट AFFILIATE, अफिलिएट पे टेक्स्ट मैच, अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अफिलिएट हमको नहीं चाहिए, कोई भी कीवर्ड जिसमें अफिलिएट टर्म आए। ओके, सो अभी देखते हैं कितने सारे कीवर्ड्स आ गए हमारे पास, अराउंड 1410 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। 1410 कीवर्ड्स से हमको पार्टनर प्रोग्राम भी नहीं चाहिए, ये जो पार्टनर प्रोग्राम है वो भी हमको नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से और एक फिल्टर करेंगे और वहाँ से पार्टनर भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, सो टेक्स्ट मैच कंटेन्स और कीवर्ड डज नॉट कंटेन, वैल्यू होगा यहाँ पे पार्टनर, PARTNER, पार्टनर, फिर अप्लाई कर देते हैं। फिर देखते हैं कि कितने सारे कीवर्ड्स हमारे पास बचे। ओके, सो गाइस हमारे पास जो कीवर्ड्स बच रहे हैं वह कितने, 1409। सो गेट रेस्पॉन्स मैक्स, गेट रेस्पॉन्स प्लान्स, कन्वर्शन वगैरह वगैरह वगैरह, गेट रेस्पॉन्स लैंडिंग पेज टेम्पलेट्स, गेट रेस्पॉन्स ईमेल, फ्री टायल, ऑटो फनल, तो ये सारे के सारे वेबिनार्स और ऑटो फनल भी हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे कीवर्ड, और यहाँ पे वेबिनार भी मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वेबिनार के रिलेटिवली कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि जो लोग आके सिर्फ ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से सर्च करें गेट रेस्पॉन्स को, उनको ही सिर्फ ये हमारा ऐड मिले। ओके, मैं खुद को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। सो यहाँ पे कितने सारे हैं, हमको यहाँ से डज नॉट कंटेन, टेक्स कंटेन्स वेबिनार, अच्छा टेक्स कंटेन्स हो गया ना, तो टेक्स कंटेन्स को हमको नहीं करना है, कंटेन से डज नॉट कंटेन होगा, फिर अप्लाई कर देते हैं, तो 6 कीवर्ड्स वहाँ से भी निकल जाएंगे। सो 1403
अब ये भी बहुत सारे हैं, मगर फिर भी आपको एकदम ईमेल मार्केटिंग है, फिर ईमेल ही सर्च कर लेता हूँ। ईमेल कंटेन अच्छा नहीं चाहिए, ओके मैं क्या करता हूँ अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये एक आपको क्या करना है, इसी तरीके से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यहाँ से निकालने हैं, फिर आपको यहाँ पे आके ये जो एंटर कीवर्ड्स है ना इस सेक्शन पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे गेट रेस्पॉन्स फनल हो गया, फिर फ्री ट्रायल हो गया, फिर ये जो है ना ये सारे के सारे हो गए यहाँ पे। तो उनको हम क्या करेंगे, अभी इनके थ्रू से ऐड बनाएंगे। अभी क्या करना है हमको, गेट रेस्पॉन्स ईमेल मार्केटिंग, ये देखो कितने सारे हेडलाइंस भी आ गए। अच्छा फाइनल यू आर एल, फाइनल यू आर एल कहाँ से मिलेगा, फाइनल यू आर एल मिलेगा हमको फ्रॉम दी अफिलियट्स डैशबोर्ड ऑफ गेट रेस्पॉन्स। ओके अब क्या करो, जाओ वहाँ पे फिर पार्टनर प्रोग्राम पे गेट रेस्पॉन्स, और वहाँ से आपको उनके अफिलियट लिंक्स मिलेंगे, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। सो यहाँ पे रिकरिंग प्रोग्राम का लिंक और बाउंड्री प्रोग्राम का लिंक दोनों है, मैं कोई भी एक रिकरिंग प्रोग्राम का लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके फाइनल यूआरएल पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके फिर ये जो डिस्प्ले पाथ है, डिस्प्ले पाथ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बेस्ट फ्री ईमेल मार्केटिंग, या फिर फ्री ईमेल मार्केटिंग ट्राई फॉर फ्री बेस्ट इन 2022, या फिर ऐसा कुछ भी। तो गेट रेस्पॉन्स डॉट कॉम बेस्ट फ्री बेस्ट फ्री, फिर सपोज ईमेल ईमेल मार्केटिंग लिख देता हूँ, मार्केटिंग बेस्ट फ्री ईमेल मार्केटिंग, ऐसा कुछ भी जो कि मतलब उसका जो लिंक होगा ना वो अच्छा सा दिखे। ओके फिर यहाँ पे जो है हेडलाइंस, आपको अच्छे अच्छे हेडलाइंस देने हैं। मैं इस हेडलाइंस को सर्च क्योंकि ये सर्च भी ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये जो है हेडलाइन आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर पेस्ट नहीं हुआ तो सिंपली यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, हो गया। ऐसे ही आपको ये जो हेडलाइन है ना इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए एक कैपिटल होगा, फिर थोड़ा सा अच्छा इसको सजाना, पूरा कैपिटलाइज मत करना, थोड़े थोड़े कैपिटल और स्मॉल का मिक्स करके आपको एक अच्छा सा हेडलाइन लिखना है। ओके फिर ऑटो रेस्पॉन्डर ईमेल्स, इसको आप जो है इसको आप ऐड करो यहाँ से कॉपी करके फिर आप यहाँ पे एक हेडलाइन पे पेस्ट कर दो। ऐसे करके जितने सारे आप हेडलाइंस करोगे ना, यहाँ पे मोर आइडियाज़ पे भी क्लिक कर सकते हो। ऐसे ये दोनों हो गए, फिर सपोज गेट रेस्पॉन्स फ्री ट्रायल, इसको मैंने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे बहुत सारे हैं देखो ना, गेट रेस्पॉन्स लैंडिंग पेज टेम्पलेट, गेट रेस्पॉन्स फ्री प्लान, इसको अगर इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जितने सारे आप हेडलाइंस दोगे ना गूगल के पास, एक उतना अच्छा आइडिया आएगा कि कौन कौन सा वर्ड टाइप हो रहा है, कौन कौन सा वर्ड ज़्यादा सर्च हो रहा है, कौन कौन सा वर्ड ज़्यादा क्लिक हो रहा है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, जितना अच्छा आपका ये जो कीवर्ड टारगेट है, मतलब जितने ज़्यादा आप जो है हेडलाइंस यहाँ पे ऐड करोगे। ओके ये देखो एड स्ट्रेंथ पोर दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो एड स्ट्रेंथ पोर दिखा रहा है, जितने ज़्यादा आप हेडलाइन दोगे उतना एड स्ट्रेंथ जो है अच्छा होगा। और यहाँ से आप ये कुछ जो हमेशा के लिए अच्छे हैं, मतलब इन सब हेडलाइंस को कैसी हेडलाइंस को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्या बोले, व्यू आर इन्वेंट्री नहीं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स सपोज, ट्रस्ट फ्रेजेस में अवार्ड विनिंग सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, प्राइस मैच गारंटी, या फिर आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस, फिर सुपीरियर कस्टमर सर्विस। आप इन सब चीज़ों को, इन इन कीवर्ड्स को जब ऐड करोगे ना, देखो कि आपका ये जो यहाँ पे ऐड हेडलाइन पे ये वाला भी आपका अच्छा होगा, और ये जो ऐड स्ट्रेंथ है ये भी आपका अच्छा होने लगेगा। ओके जैसे बेस्ट प्राइस गारंटी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मनी बैक गारंटी, फिर एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, फिर ये सारी चीज़ें जो है वो सब चीज़ें आप जो है यूज़ कर सकते हो। फिर प्रमोशनल फ्रेजेस, आप देखो ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, फिर अफोर्डेबल प्राइस, व्यू प्राइसेस डील्स एंड ऑफर्स, सेव टाइम एंड मनी, ये सारे के सारे हेडलाइन जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो है हेडलाइन का और एड का क्वालिटी भी अच्छा होगा। ये 2022 यूज़ करो, फ्री यूज़ करो, इन सारे ऐसे ऐसे। ओके सो डिस्क्रिप्शन में चार डिस्क्रिप्शन आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कोई टिप्स है नहीं अभी, तो आप अपना एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाओ, जैसे कि गेट फ्री, ये डिस्क्रिप्शन का आइडिया कहाँ कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिल जाएगा आपको। पावरफुल सिंप्लीफाइड टूल टू सेंड ईमेल्स, क्रिएट पेजेस एंड ऑटोमेट मार्केटिंग।
ये भी आप यूज कर सकते हो, अच्छा सा एक हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, ये भी आप यूज कर सकते हो ओके। और फिर सपोज इनबाउंड मार्केटिंग सॉल्यूशन, फिर गेट योर बिजनेस ऑनलाइन, या फिर अ स्वीट ऑफ फ्री मार्केटिंग टूल डिजाइन टू गेट योर बिजनेस ऑनलाइन विद फ्यूलर स्ट्रीम ऑफ लीड्स ओके। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से आके जाके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। तो जितना आप डिस्क्रिप्शन अच्छा बनाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रीम ऑफ न्यू आइडियाज ओके नहीं चाहिए ऑनलाइन एंड फ्यूल इट ऑनलाइन ओके। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन और एक ऐड हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन यूनिक डिस्क्रिप्शन हो गया ये। एड स्ट्रेंथ इज एवरेज, पॉपुलर कीवर्ड्स ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। तो बूस्ट ऑनलाइन सेल्स, मार्केट योर ई कॉमर्स बिजनेस, या फिर एंगेज विद कस्टमर्स, स्टे इन टच विद कस्टमर्स ओके, स्टे इन टच विद कस्टमर्स एंड टारगेट ऑनलाइन कम्युनिकेशन। यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे जाके और एक डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो ये भी हो गया हमारा। और एक डिस्क्रिप्शन आप मैक्सिमम 4 डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और एक डिस्क्रिप्शन कुछ भी, जैसे कि ये वाला, ग्रो योर ऑडियंस, फाइंड न्यू कस्टमर्स एंड बिल्ड योर ईमेल लिस्ट विद ग्रेट लीड जनरेशन टूल्स ओके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये भी हो गया हमारा। तो एक डिस्क्रिप्शन भी हमारे एड्स हो गए। और ये जो ऐड का स्ट्रेंथ है ये अच्छा हो गया आपको। अब देखो अब पॉपुलर कीवर्ड्स में जैसे कि स्टार्ट फ्री, फिर ऑटो फनल, ये सारे के सारे कीवर्ड्स अगर आप यूज़ करोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ओके। अच्छा तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे एक आपको एक अच्छा सा एक एडवर्टाइज क्रिएट करना है ओके। बजट कितना दोगे आप? बजट सपोज आप पर डे, आपका ऑन एन एवरेज आप कितना बजट दे सकते हो? सपोज 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़। 100 दूंगा तो बोलेगा कि थोड़ा इंक्रीज करो, से 500 देने के लिए बोल रहे हो तो 500 दे सकते हो, 100 से भी जा सकते हो। गूगल हमेशा ऐसा चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करो गूगल पे, तो गूगल उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो वो गूगल के लिए भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्लिक ऑन नेक्स्ट, रिव्यू योर कैंपेन और डबल चेक योर डिटेल्स बिफोर यू पब्लिश ओके। तो एक बार कैंपेन रिव्यू करने के लिए बोल रहा है कि आप देखो आपका कैंपेन कैसा हो रहा है। और ये जो है ना एकदम फ्री, मतलब फ्री मतलब क्या, पैसे तो लगेंगे बट बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इफ़ यू यूज़ दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी ओके। कि वैसे वैसे कंट्रीज चूज़ करो जो कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वहाँ पे गूगल का कम है, फिर ऐसे ऐसे जगह चूज़ करो जो कि आपको अच्छा एड्स दे सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करो जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जब अच्छा सा होगा ना, ऑप्टिमाइज जब होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा फ्रॉम डूइंग बिजनेस ऑनलाइन ऑफ दिस काइंड ओके। सो दिस इज इट। और एक आपको बोनस देके जाता हूँ मैं, अगर आपको एक अच्छा सा एड कॉपी क्रिएट करना है, देर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कॉल्ड एज स्मार्ट कॉपी, मैं आपको दिखा देता हूँ। पर वहाँ पे आप बहुत सारे अच्छे अच्छे एडवर्टाइजिंग्स, ब्लॉग पोस्ट वगैरह वगैरह कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो ओके फ्रॉम स्मार्ट कॉपी। मैं आपको दिखाता हूँ एज एन एग्जाम्पल, और वहाँ से भी आप ये जो है गूगल का एड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हेडलाइन लिखूँ, क्या डिस्क्रिप्शन लिखूँ, ये सब भी आप वहाँ से बहुत इजीली फ्रॉम अ क्लिक ऑफ अ बटन आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो ओके। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट कॉपी। और यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे फेवरेट्स, फ्री टेम्पलेट्स वगैरह वगैरह, एड कॉपी भी, सेल्स कॉपी, कुछ भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो ओके। और यहाँ पे आपको जो है बहुत कुछ मिल जाता है। ब्लॉग आप यहाँ से लिख सकते हो, फिर ऐसे आइडिया, ये जो गूगल एड्स, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और गूगल एड्स भी आप यहाँ से अच्छे अच्छे गूगल एड्स जो क्रिएट, मतलब जो कन्वर्ट करते हैं, ऐसे गूगल एड्स भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो ओके। आपको गूगल एड्स एक दिखाता हूँ कि कैसे आपको क्रिएट। सो गूगल एड पे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, जैसे कि टॉपिक, यहाँ पे कोई भी टॉपिक आप यहाँ पे एंटर करो, फिर ये तो मेरा प्रोफाइल है, ये कंपनी का नाम दे सकते हो, ब्रांड का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कंपनी का नाम जैसे गेट रेस्पॉन्स आपने दिया, फिर ब्रांड डिस्क्रिप्शन आप कुछ दे सकते हो, फिर ब्रांड ऑडियंस, ये तो प्री सिलेक्टेड है, मगर सपोज एंटरप्रेन्योर्स, कॉलेज पास आउट, जो जो आपका ऑडियंस है, गेट रेस्पॉन्स पे जैसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, या फिर फ्रीलांसर, फिर जो एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो ईमेल यूज़ करते हैं उनका ऑडियंस बनाओ। और ब्रांड कीवर्ड्स में ईमेल मार्केटिंग, ईमेल ऑटोमेशन, मार्केटिंग कैंपेन्स, मार्केटिंग ईमेल, ईमेल मार्केटिंग,
जितने भी सब ब्रांड के कीवर्ड्स हैं उनको अब यूज़ करो, यहाँ पे इनपुट करो, एक अच्छा सा ऐड बनाओ, फिर जाके आप जो है यहाँ पे गूगल पे जाके उस ऐड को फिर पब्लिश करो। पब्लिश कैंपेन में करूँगा तो फिर ये ऐड मेरा पब्लिश हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से क्या करना है आपको, एक एडवर्टाइजिंग क्रिएट करना है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज, मैंने खुद ट्राई किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मेरे को। आप भी ट्राई करो और मेरे को फिर बताओ कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके थ्रू। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव दिस अ लाइक, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। ओके, और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाने से पहले बता दूँ, अगर आपको एक अपना बिजनेस क्रिएट करना है ऑनलाइन, देन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और जाके साइन अप करो फॉर माई ट्रेनिंग, और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको सिखाया हुआ है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।